नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक वन। इस वक्त मैं बीसी रोड में हूं। बीसी रोड पीएचई ऑफिस की अगर बात करें तो पिछले 22 तारीख से यहां पे धरना प्रदर्शन जो है वो डेली वेजेस का वो है किया जा रहा है। फिलहाल आज भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो नारेबाजी जो है वो चल रही है। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो है डेली वेजेस का वो जहां पे 22 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और अपनी मांगों की अगर बात करें अपनी मांगों को मंगवाने के लिए जो है एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, लाल लाल जेके गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ती ही गर्मी जिस तरह से ये बढ़ रही है मगर लोगों को भी पानी की समस्याएं जो है वो झूल रही हैं, मगर प्रयास इनका लगातार जारी है। 22 तारीख से इन्होंने कंटिन्यू जो है वो हड़ताल जो है वो की हुई है। फिलहाल इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो लीडरान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे पूछूंगा। क्या नाम है सर आपका? रामपाल। रामपाल जी, 22 तारीख को आपने हड़ताल जो है वो शुरू की थी, आज 23 तारीख हो चुकी है, 6 दिन की लगातार जो हड़ताल है, क्या सरकार तक ये बात नहीं पहुँच रही कि आपकी डिमांड? देखो, हमने 22 तारीख को हड़ताल शुरू की थी 48 घंटे की, उसके बाद हमने 12 घंटे की इसलिए की थी कि चलो शाम तक हमारे साथ बात करने के लिए कोई एलजी प्रशासन से उच्च न्यायालय कोई ना कोई हमसे बात करेगा। हमने फिर 24 घंटे की हड़ताल इसलिए की है कि तब भी हमारी बात करेगा। कल 24 घंटे हमारे मंगलवार को शाम को 8 बजे पूरे हो जाएंगे। अगर कोई उच्च न्यायालय हमसे बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल कंटिन्यू ऐसे चलेगी 12 घंटे 24 घंटे ये चलती रहेगी। ये हड़ताल पीछे नहीं होगी क्योंकि हमारे बच्चों का मसला है। हमारी तो उम्रें हो गई हैं, 25-25 साल हो गए हमने डिपार्टमेंट को काम करते हुए। अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। अब जब तक प्रशासन हमारे हित में नहीं होगा तब तक हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। आज पानी की त्राही त्राही है। एलजी प्रशासन का सब दोष एलजी प्रशासन का है, जो डीडीसी इलेक्शन से पहले हमसे वादा किया था वो भी उस खरे वादे पे नहीं उतरे हमारे। उन्होंने कहा था कि डीडीसी इलेक्शन से के बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। आप डीडीसी इलेक्शन भी 2-3 साल हो गए, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया हमारा। ट्यूबवेल कुछ और भी चल रहे हैं आप कह रहे हैं 24 घंटे की, जहाँ 6 दिन चुके हैं, मगर पानी की सप्लाई अभी भी चल रही है इसमें कोई? देखो, हमने पानी बंद की नहीं अब काल दी है, हमने काम छोड़ के हड़ताल की है। तो जो मतलब परमानेंट मुलाजिम है, जो पीएचई में चंद लोग हैं वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांडें तो पूरी हैं। जो डेली भी है वो नहीं काम कर रहा है। देखो, पीएचई में जो परमानेंट मुलाजिम है वो कुछ परसेंट है, बाकी सारा डेली वेजर है, डेली वेजर ही काम कर रहा है, मतलब काम किसी काम को चलाता है। जैसे सांबिया में किसी चीफ इंजीनियर ने लिख कर दिया है कि डेली वेजर के बिना हमारा काम नहीं चलता है। थोड़े दिनों के बाद ये भी जम्मू के भी लोग जो चीफ इंजीनियर हैं जहाँ ऐसी हैं वो भी दे देंगे इस काम को। ये लगातार जो है अगर डिमांड जो है वो नहीं मानी गई है, मगर कुछ और भी इनके अधिकारी इनसे भी बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, किस तरह देखते हैं सरकार को, काफ़ी देर हो गई है? देखिए सर, 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, हड़ताल पर हड़ताल चलती रहती है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, आप जानते हैं कि अभी भी हम एलजी साहब को हाथ जोड़ के विनती करते हैं जो हमारा मसला है हल कर दीजिए, लेकिन ये गवर्नमेंट अभी भी सोई हुई है। हमने पानी बंद की कॉल नहीं दी है, हमने काम छोड़ हड़ताल दी है। अगर पानी जिस दिन हमने बंद कर दिया कि त्राही त्राही मच जाएगी, अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है हम कुछ गुजर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी 24 घंटे की हड़ताल बताई है, हम कहते हैं कि 48 घंटे की और बढ़ा दो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारा बकाया वेतन SRO चौड़ के तहत परमानेंट किया जाए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो। हमारे बच्चों की बुरी हालत है, स्कूलों से बाहर निकाला दिया जा रहा है, अभी तक गवर्नमेंट को जूं पे नहीं दिख रही है, लेकिन हम आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। जम्मू की सड़कों में त्राही त्राही मच सकती है, रोड जाम हो सकते हैं। ये मत सोचना कि अब डेली वेजर जाग चुका है, 90% जो डेली वेजर है काम करता है और परमानेंट सिर्फ 10% लोग हैं। कितने दिन चलाएंगे? सुबह से लेकर शाम तक ये लोग काम करवा रहे हैं, उनसे भी हमारे हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम मन मिटने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। चाहे कुछ भी हो जाए लगातार ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती। अगर आने वाले दिनों में ये हड़ताल
ख़त्म करनी है सरकार को, तो ये इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द जो हमारी मांगे हैं उनको जो है वो पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जम्मू की सड़कों पर त्राही त्राही जो है वो पानी की देखी जाएगी। टेकवन की तमाम बड़ी अपडेट डिस्टरी प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।